कल राखी रक्षाबंधन है, तो मैं थोड़ी सी उड़द की दाल भिगा रही हूँ थोड़ी सी, क्योंकि घर में ये होता है कि तैंकू लगाते, तैंकू बोलते ना गढ़वाली बोलते, तैंकू लगाना चाहिए, थोड़ा सा तेल की स्मेल आनी चाहिए घर में। बाकी मुझे पकड़ पकौड़े तो मिल जाएंगे खाने के लिए मेरे मम्मी के घर में, तो ये अपने घर में ऐसे ही थोड़ा सा शगुन के लिए मैं बना रही हूँ। तो ये रिद्धि की मेहंदी है, रिद्धि का रिद्धि और मम्मी की मेहंदी, ये मेरी है, ये मेरी मेहंदी है, और रिद्धि को ना बहुत ज़्यादा शौक है मेहंदी लगाने का। और रात के बज गए पूरे, एक बजने में 5 मिनट तो एक बज गए, और हमारी मेहंदी लग रही है अभी तक, है ना दीदी? यस, मेरी मेहंदी सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू, थैंक यू। अब देखेंगे सुबह कैसे लगती रही है। हाँ, सुबह तक तो ख़राब ही हो जाएगी। तो ये सुबह की चाय बन रही है और इसी को पी के मेरे हस्बैंड उठते हैं, तो हमारी सुबह की चाय रेडी हो गई है और हम चाय पियेंगे। तो सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्ते मेरे प्यारे से व्यूवर्स को, जो हमें इतना सपोर्ट करते हैं और इतना प्यार देते हैं। और दूसरा है आज रक्षाबंधन, तो सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी मैं पी रही हूँ चाय, और ये मेरे पीछे देखिए तोरी के फूल कितने सुंदर लग रहे हैं ना, येल्लो येल्लो कलर के, बहुत सुंदर लगता है ऐसे। और इस बारी ना हमारी तोरी आई नहीं है, बहुत ही कम, एक ही दुखी आई इस बारी तो काफ़ी। मिलते हैं हम आपको थोड़ी देर में, क्योंकि आज रक्षाबंधन है, तो सब कुछ टाइम से फटाफट करके निकलना भी मुझे भी, हम रात को 1 बजे सोई थी ना तो नींद आ रही है बहुत, अभी और भी कुछ काम वाम करने, इसलिए ना चाय पीते नींद भागने के लिए। तो हम चाय पीते तब तक, उसके बाद मिलते हैं फिर आपको। देखो एक ही तोरी है, इसको मैं सोची तोड़ने की मम्मी के पास लेके जाऊँ आज, क्योंकि तो इनको दिया नहीं भी। अरे देखो कि इसको क्या तोड़ूँ मैं, छोटी मोटी, और ये दो मुझे दिख रही थी यहाँ पे, एक और दूसरी, हाँ दूसरी उसके बगल में दिख रही है। अब मैं इनको सोच रही हूँ कि तोड़ के ले जाती हूँ मम्मी के पास, क्योंकि उनको भी दिया नहीं है, मैं जा ही रही हूँ तो ले जाती हूँ। इनको भूखी खिला रही, उसने इस पौधे को ना पूरा होने नहीं दिया, इस बारी पूरा खा गई है इसको, जैसे होता है खा जाती है, पता नहीं क्या है इस गिलहरी को। ये पौधा भी ऐसे हो रहा है देखो यहाँ पे, और यह है सीताफल के पत्ते, हाँ ये अपनी सास के लिए मैं जरूर भिजवाऊंगी, क्योंकि उनको बहुत पसंद है और बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट हो रहे हैं, उनको काटना ठीक रहेगा, तो मैं काट दूँगी। और देखो तोरियाँ ये है, देख रहे हो कंकाल बनी है ऊपर, ये हो रहा है, हो रही है तो ख़राब हो जाती है, इसी में इस साइड को तो ख़राब ही होती है, आगे की तरफ से भी लग जाती है। टेबल में चढ़ूँगी और इस डंडे की हेल्प से उसको तोड़ दूँगी, फिर मैंने जुगाड़ बना रखा है, जुगाड़ खेल का, तो देखो मैं कैसे तोड़ती हूँ। तो यहाँ पर मैं तोरी तोड़ने के लिए बहुत कोशिश करी, लेकिन मेरी हाइट इतनी छोटी है कि मैं उसे मतलब तोड़ नहीं पाई, हाइट तो मेरी हाथ मतलब पहुंच गया था, लेकिन वही वो टूट नहीं रहा। फिर उसके बाद मैंने टेबल लिया, फिर टेबल की हेल्प से मैंने तोड़ा वन बाय वन। फाइनली मैंने ये तोड़ ली है जद्दोजहद करके इतना मुश्किल से। मॉर्निंग रिद्धि, आप उठ गई, हैप्पी रक्षाबंधन। नहीं मेहंदी दिखाओ जरा, वाओ ब्यूटीफुल मेहंदी लग रही है। आज रक्षाबंधन में भी अच्छी मॉर्निंग हो रही है, गुड मॉर्निंग। आप कुछ बोलना चाहते हो? हाँ बोलना चाहती हूँ। बोलो। सबके भाइयों को बधाई हो। बधाई रक्षाबंधन की। सबके भाइयों को रक्षाबंधन की बधाई हो। हाँ। अरे मेरी हिंदी मैडम, हिंदी थोड़ा ढंग से बोलो, बधाई हो, बधाई बधाई नहीं। अच्छा। दांत की ऐसे तो नहीं हो रखी आपकी? अभी रिद्धि हो गई 7 साल की, लेकिन हमारी रिद्धि ऐसे बोलते कुछ कुछ वर्ड्स, ऐसी हंसी आ जाती ना कुछ वर्ड्स की, क्या ही बोले। अब ये देखिए गाइस, मेरी मेरी मेहंदी देखिए, ये मेरे पति का मुंह है, जैसे मधुमक्खी ने काट दिया, भम मोर है, और सेम टू सेम मेरी जो बड़ी नंद है ना, मतलब एक ही नंद है बड़ी, तो उनका भी यही हाल है, दोनों के दोनों ना मतलब उनको लड़ने का वो चाहिए त्यौहार में, है ना दीदी? देखो इतनी सकल सुंदर सकल दिखनी चाहिए, मतलब दोनों ने किसी ना किसी एक ने ऐसे करना ही है लड़ाई का, इन्होंने पूरा साल का बैठे थे कि आज उतारेंगे सारे, एक नहीं करेगा, दूसरा नहीं करेगा, तीसरा मतलब दूसरा, ये दोनों ही करते मतलब बड़ा और छोटा, इनके खून में सही बैठा है, लड़ाई लड़ाई लड़ाई, प्यार तो नहीं आता इनको करना, बस लड़ना ही आता है। और देखो कोई सोच रहा होगा मैं नंद की बुराई कर रही हूँ, तो मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, ये है एक्चुअली कुछ लोग ब्लॉग बनाते हैं, तो फिर से चूज़ चूज़ करके ब्लॉग बनाते हैं, मैं सब कुछ अपने ब्लॉग में डालती हूँ, जो रियलिटी है, जो भी रियलिटी है, ये एकदम रियल ब्लॉग बनते हैं, रियल ब्लॉग बनते हैं हमारे, जो हमारे मन में है और जो हम सच में हम करते हैं, दिखावटी कुछ नहीं है, तो यही है। मैं बुराई किसी की नहीं कर रही हूँ, मैं बुराई किसी मिलावटी नहीं, सॉरी मिलावटी ब्लॉग नहीं है, शुद्ध ब्लॉग एकदम शुद्ध है ना दीदी, तो हम भी शुद्ध ब्लॉग है, शुद्ध लोग हैं, मतलब मन से साफ, ऐसे नहीं कि बाहर लोग ऐसे करते चापलूसी नहीं करते, हाँ जी ऐसा वैसा, तो जो मैं मतलब हूँ अपने घर में या उसके सामने कोई, मतलब किसी के अंदर कोई मुझे चापलूसी करनी आती नहीं है, चाहे मेरी नंद हो उसके सामने मैं वैसी बातें करूँगी, या कोई मेरी सास हो या मेरी मम्मी हो, जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ,
ऐसे नहीं कि उनके आने में मेरे हाव भाव बदल जाएंगे, मैं बोली हाँ जी सासू माँ और हाँ जी दीदी, ये समझ आता मुझे करना। क्यों रे दी, सही बोल रही ना दीदी? तो इसको सुबह से मैं बोल रही भाई क्या करना क्या प्रोग्राम है, कहते नहीं मैं दीदी को फोन नहीं आएगा तो मैं नहीं जाऊँगा, दीदी को फोन नहीं आएगा तो मैं नहीं जाऊँगा। तो भाई हम क्या करें, भाई बहन के बीच में हम तो नहीं आते, हमें तो अपना करना है जैसे करना है ना दीदी, हमें अभी काम करना है और फिर हमें फटाफट से हमको जाना है रेडी होके, क्योंकि हम हैं खुश मिजाज लोग, हमेशा हम खुश रहते हैं ना, खुश भी रहते हैं, हम खुश रहते हैं, कुछ लोगों को खुश रहना ही नहीं आता, क्या करें। तो भाई मिलते हैं फटाफट से सफाई करने, मैंने सफाई कर दी, झाड़ू मारना है, पोछा मारना है और फिर नहाना धोना है, मिलते हैं आपको फिर उसके बाद किचन में सीधा। रेडी उठ कर ना फिर दोबारा सो गई है मैडम और यहाँ पे हो रही, मैंने झाड़ू मार दिया है और मेरी पोछा मारने की तैयारी, मेरी पोछा मारने की तैयारी हो गई है, इधर ठीक करना भी। दीदी कूड़े वाले अंकल आएंगे तो मुझे बता देना, तो तनी से मुझे बोला मम्मी कूड़े वाले की दुकान आने वाली है, देखो ये मैंने कूड़ा रखा हुआ यहाँ पे, तो मैंने इसको बोला कि भाई जैसे गाड़ी आएगी तो मुझे बता दियो, मैं यहीं से बोलती हूँ भैया ले जाओ कूड़ा, तो ले जाते हैं बाहर में तो वेट करना पड़ता है। तो ये लाटा बेटा मेरा कह रहा कूड़े वाले की, कूड़े वाले अंकल की दुकान आ गई, ऐसे हमारे घर में लाटे लाटे लड़के, क्योंकि अंकल बोलना है कूड़ा ले जाना, कह रहा आप बोलो, अरे इतना बोलने में क्या हो रहा है, यहाँ से बोलना है खिड़की से अंकल ही कूड़ा रखा हुआ है, इतना तो बोलना है, अगर अभी नहीं बोलोगे ना जिंदगी में कभी नहीं बोल पाओगे, ऐसे भोंदू के भोंदू रहोगे, इतनी सी बात बोलने में क्या है, अब बोल गया तो नहीं बोलेगा, आज मैं नहीं बोलूँगी, चल बोल देखती मैं, रोज मैंने मैं ही बोलती ना, बोल देखा 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 इतना शर्मा रहा है, बोल अंकल कूड़ा रखा है इतने, यही बोलना है, तेरी आवाज़ में चेक करती हूँ, चल बोल अंकल आएंगे ना, बोल अंकल हाँ देखा मैंने देख भी लिया। खाना धोना हो गया, पूजा पाठ भी हो गई है, अब हम बनाएंगे पकौड़े, तो फटाफट से बनाते हैं पकौड़े और फिर उसके हम जाने की तैयारी करते हैं। ये हमारे पास भी गा रखी थी ना, उसको पीस के बनाते हैं पकौड़े। तो गाइज इधर के चले गई है लाइट और इसलिए हम आपको अच्छे से पकौड़े नहीं दिखा पा रहे, और अगर हम फ्लैश लाइट जला रहे हैं और अगर हम इस कैमरे पर क्लिक क्लिक कर रहे हैं तो वैसे ही बंद हो जा रही है बच्चे ही, और मम्मी ने ये पकौड़े तैयार कर दिए हैं वैसे तो, बट हम दिखा नहीं पाए, बट ये अभी और पकौड़े तैयार हुए और इसको हम खा, पापा का फोन आ चुका है और ये रहा पापा का मीठा फोन, पापा जी कैसे लग रहा है आपको फोन देखिए आखिरकार, जब कैसा लग रहा है मुश्किल के बाद फोन और आपको आईफोन मिल रहा है, आईफोन हमने मंगाया है, आज हम करने वाले हैं इस फोन की अनबॉक्सिंग। लाइट बन गई थी तो ये मैंने पकौड़े पूरी बना दी तो बन गए, और ये इसमें से मैं पहले भगवान जी को चढ़ाऊंगी, पहले तुमने खा लिया बाबा, वेरी गुड, निश्चित बदतमी से और लाइट गई है। तो एक इनके लिए परांठा, यहाँ पकौड़े ड्रामे होते हैं और तनी से सब पकौड़े खा चुका है अभी, मैंने एक भी नहीं खाए। गाइस मैंने साड़ी पहन तो ली, मुझे पता है मैंने सही नहीं पहनी है, मैं सूट पे लेके जा रही हूँ, थोड़ी देर के लिए मैंने पहना है क्योंकि फेस्टिवल में कभी तो साड़ी पहननी चाहिए, और अभी मैं कुछ ज़्यादा नहीं करती, मुझे मेकअप पर कुछ तरह है नहीं, मैं सिंपली बिंदी लगाऊंगी, देखती हूँ मैं काजल लगाऊंगी, मुझे काजल लगाने का और बस इसका मुझे पसंद नहीं है झमझम करना, मैं हाथ खाली तो कड़ा डाल रही हूँ और फटाफट से क्योंकि 12 बजने वाले हैं, फटाफट ऑटो बुक करेंगे निकल जाएंगे, 12 बज चुके हैं समझ लो। चलो गाइस हम लोग हो गए रेडी जाने के लिए, हमारा ऑटो आने वाला है 2 मिनट में, बस और हम मास्क लगाते हैं और फटाफट निकल पड़ते हैं जल्दी से। तो ये हम लोग निकल पड़े घर से अपने मायके की तरफ, और अभी हम मिलाएंगे आपको तनिष्क की 2 और सिस्टर है, मतलब तनिष्क की 3 सिस्टर है और रितिक के भी 4 ब्रदर और हैं, तो देखते हैं हम किस किस से मिलते हैं आज, तो आपको मिलाते हैं, तो इसी ब्लॉग में हमारे साथ बने रहें और हम आपको दिखाएंगे रितिक के भाई और तनिष्क की बहनें और रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन मेरे मायके में। तो चलो चलते हैं और अब नेक्स्ट वीक का कंटिन्यू पार्ट नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा, तब तक के लिए बाय।